ये देखिए दोस्तों, अगर आप भी अपने घर के आगे पीछे अगर थोड़ी सी ज़मीन है तो इस तरीके से पेड़ लगा सकते हैं सब्जियों का। तो ये देखिए लौकी किस तरीके से कितना बड़ा बड़ा लौकी फड़ा हुआ है, ये देखिए। तो इस तरीके से आप भी लगा सकते हैं अपने घर के आसपास में, और अपने घर की जो सब्ज़ी होता है ना उसका आनंद और खुशी कुछ अलग होता है। तो ये देखिए, ये है लौकी का पेड़, तो बहुत सारा लौकी निकला हुआ है और बहुत सारा तो काट के खाए भी हैं। तो चले फ्रेंड, बने रहिए वीडियो में। और यहाँ पे देखिए, यह है कबाड़ी वाला। तो मेरे घर में जो काम हो रहा है ना पेंट, तो उसका बहुत सारा कबाड़ी निकला हुआ था, प्लास्टिक का, स्टील, लोहा, पता नहीं कबाड़ी में जो निकलता है फालतू का चीज़ सब, उसी का हमने लिया है प्याज। तो ये देखिए इतना सारा प्याज आया है कबाड़ी के सामान से। तो हम लोग यहाँ पे पैसा भी लेते हैं। और थैंक यू फ्रेंड, मैं नेम इज उत्कर्ष कुमार। माय नेम इज उत्कर्ष कुमार। फादर्स नेम, अच्छा से बोलो। मदर मीन्स। तो हाय फ्रेंड, आज हमारे घर में बनेगा ये क्या बोलते हैं, छोले का चाट। तो वही वाला रेसिपी आज भी सबको साथ शेयर करूंगी, और बहुत दिन से मन भी कर रहा था खाने के लिए। और चलिए हम पहले कुछ काम कर लेते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे बातें करते रहेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। उसके बाद ये देखिए, यह है मटर, यह है वाइट वाला मटर। तो इस मटर को हमने 5-6 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था, मतलब शाम में, सुबह में रख दिया था 11-12 बजे। उसके बाद ये शाम को मैं बना रही हूँ 5-6 बजे। तो 5-6 घंटा इसको फुला के उसके बाद में इसको, ये देखिए अच्छी तरीके से दोगुना साइज में आ गया है ना। तो हम इसको कुकर में डाल दिए हैं धो के, और कुकर में पानी भी डाल दिए हैं। एक हमने बड़े साइज का आलू लिया है, और आलू को भी डाल दिए हैं। उसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, और इसको डाल के हम इसको उबालेंगे, मतलब कुकर में सीटी लगाएंगे। तो नमक डालने के बाद हम इसमें कुछ नहीं डालेंगे। और ये देखिए, हम सभी को मिक्स कर देते हैं। मेरा किचन में ज़्यादा चाकू ही यूज होता है, मैं ज़्यादातर चाकू ही यूज कर लेती हूँ चलाने के लिए। और क्या करेंगे, हम ढक्कन में थोड़ा सा तेल लगा देते हैं। तेल लगाने से ये होता है कि जो भी पानी बाहर नहीं आएगा कुकर से, दाल बनाओ कुछ भी बनाओ, लेकिन तेल लगा देंगे तो नहीं आएगा। तो हम इसको 5-6 सीटी लगाएंगे। 5-6 सीटी लगाने के बाद ही अच्छे से पकेगा। अगर फिर भी ना पके ना, तो थोड़ा सा सोडा डाल दीजिएंगे, सोडा डालने से जल्दी पक जाता है। तो हाँ, मैं बता देती हूँ, जब तक ये पक रहा है तब तक मैं यहाँ पे कुछ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि साथ साथ में सफाई कर देते हैं ना, तो थोड़ा सा साफ सुथरा सा लगता है, नहीं तो मन अच्छा नहीं करता है। तो हाँ, मैं जब हम लोग जब से दिल्ली से आए हैं तब तक कुछ भी नहीं बाहर के खाएं, कुछ भी नहीं, मतलब जो घर में दाल चावल सब्जी रोटी बनता है, वह उसके अलावा कुछ भी नहीं मिला है बाहर को खाने के लिए। तो बहुत दिन से मन हो रहा था कि कुछ बनाऊं, जैसे कि हम लेडीज होता है, मुझे क्या, हर लेडीज़ को, मतलब लड़की को चटपटा खाने की ज़्यादा आदत होती है, जैसे कि गोलगप्पा, टिक्की, चाट, चाउमीन, इस टाइप के बाहर के सामान है। जब मैं दिल्ली में रहती थी ना, तो हर रोज़ खाने के कुछ ना कुछ। पर इधर इधर हाय कर दो, बाय 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 की हा बाय 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 बाय। उसके बाद ना, बात करते करते आ गया है ये जो क्या बोलते हैं, चाट को तड़का देने के टाइम। तो यहाँ पे हमने तेल लिया है, तेल में डाला है जीरा और हरी मिर्च, एक प्याज बड़े साइज का, और सभी को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। उसके बाद अब डाला है एक टमाटर, एक या दो जो भी है आप डाल सकते हैं टमाटर। उसके बाद मैंने थोड़ी सी नमक डाल दिया है, और उसको पकने देंगे। थोड़ा सा नमक डालने के बाद जब गल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा, तो हम इसी में डालेंगे थोड़ा सा मसाला, जैसे कि हल्दी, मिर्ची और धनिया पाउडर, यही बस तीन ही मसाला हम डालेंगे। और मसाला को थोड़ा सा पकने देंगे अच्छी तरीके से, थोड़ा सा तेल छोड़ दें मसाला से। उसके बाद मसाला अच्छी तरीके से पक जाता है, उसके बाद हम डालेंगे ये चाट, मतलब ये मटर का जो उबाल के रखे हैं। तो देखिए इस तरीके से हो गया है, इसमें पानी कम हो गया है, देख रहे हैं ना, पानी कम हो गया है। इसमें थोड़ा सा पानी हम और ऐड करेंगे आगे। तो ये देखिए थोड़ा सा मसाला पक गया है, तो हम इसमें सभी को डाल देते हैं। छोले बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, इतना टेस्टी लगता है ना कि कभी भी बना के खा सकते हैं आसान तरीका से।
तो हम यहाँ पे उसको मसाला में डाल दिए। थोड़ा सा इसमें हम और पानी डालेंगे, हम बंद कैमरा में भी पानी डाले थे और जितना मुझे पानी चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, मीडियम में मुझे चाहिए इसको, तो इतना पानी हमने डाल दिया है। और ये देखिए थोड़ा सा इसको उबाल आने देंगे और सब्जी बनके तैयार हो चुका है चाट। तो हम इसको ये देखिए बनके, आपको आपने इसको ऐसे ही सर्व करके ऐसे भी खा सकते हैं। अगर आपको लगे कि ना हम थोड़ा सा चाट वाला मतलब फ्लेवर में स्वाद में बनाएं तो उसको सजा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है इमली का चटनी, इमली मतलब, और उसके बाद हमने डाल दिया है दही सजाने के लिए, और हमने डाला है थोड़ी सी प्याज, थोड़ी सी टमाटर। तो प्याज टमाटर से इसको हम सजा दिए हैं। उसके बाद हम डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च, ये देखिए थोड़ी सी डालेंगे हरी मिर्च, और बस थोड़ी सी, क्योंकि ये आयुष भी खाएगा तो आयुष को मिर्ची बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं थोड़ा सा काला नमक, एक चुटकी काला नमक डालेंगे, और उसके बाद डालेंगे थोड़ी सी चाट मसाला, क्योंकि चाट मसाला के बिना तो स्वाद ही नहीं आएगा ना चाट में। तो चाट मसाला डाल के उसके बाद हम डाल देते हैं थोड़ी सी नमकीन, तो मैं नमकीन भी डाल देती हूँ सेब वाली, आप कोई सा भी नमकीन डाल सकते हैं। नमकीन नहीं है तो आप जो जो कुरकुरा या तो आलू चिप्स पैकेट वाला दुकान में जो मिलता है तो वो वाला चिप्स भी लाकर आप सजा सकते हैं। तो सजाने के लिए है, कुछ भी से सजा सकते हैं, और बस ऐसे ही, और ऐसे भी खा सकते हैं, नहीं कुछ है तो ऐसे ही आप मसाला वसाला डाल के खा सकते हैं, तो अच्छा लगता है। देखिए कैसा मेरा चाट बना है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर लीजिएगा इस रेसिपी को, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। और ये देखिए मैं अभी आयुष को खिलाती हूँ और बताती हूँ कैसा है। देखिए आयुष का एक्साइटेड देख रही है, वाओ आयुष तो मज़ा आ जाएगा खा के। दिल्ली का छोला चाट खा के बता कैसे है, खा के बता। खा के बता कैसा है, ए फूफू के खा। कैसा है ऐसे को कहो फ्रेंड, टेस्टी फ्रेंड को बता दो कैसा है। मानसी कैसा है तू बता, अच्छा है, अच्छा है मानसी, अच्छा है। अच्छा थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू प्लेन। अच्छा हो गया।